एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज अच्छे होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा वी ऑनेस्ट आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि ईटिंग चैलेंज है। ये चैलेंज मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी जो कि चाउमिंग ईटिंग चैलेंज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। बिना स्किप किए वीडियो को फुल इंजॉय कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आए बच्चे होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चाउमिंग। चाउमिंग बनाने के लिए मैंने पहले से ही पैन में पानी को बॉईल अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है 1 चम्मच और थोड़ा सॉल्ट डाला है। चाउमिंग जब भी बनाते हैं तो इन दोनों को डालना ज़रूरी होता है ताकि वो आपस में चिपके ना और अच्छे से बन जाएं। नूडल्स अब अच्छे से पक चुके हैं और इसे मैं चेक कर लेती हूँ उसको, और अब मैं इसे छान दूंगी। नूडल्स अच्छे से पक जाने के बाद मैं इसे छान लूंगी, ठंडे पानी से धो लूंगी और अब चाउमिंग बनाने की तैयारी करूंगी। इधर मैंने चाउमिंग बनाने के लिए केवेज, ऑनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक को कट किया हुआ है। बड़े साइज के टोमेटो को कट किया हुआ है। पैन हीट होने के लिए रख दिया है। पैन हीट होने के बाद मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली और गार्लिक, और इसका आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। गार्लिक और ग्रीन चिली अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से फ्राई करना है और इसका सिर्फ कच्चापन ही दूर करना होता है। और इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी केवेज जो कि मैंने कट करके रखे हुए हैं, वही केवेज को डालूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी मैं। ऑनियन और केवेज अच्छे से फ्राई होने के बाद, मतलब इसका कच्चापन दूर होने के बाद, मैं इसमें डालूंगी टोमेटो जो मैंने कट करके रखे हुए हैं, उसे मैं डालूंगी, अच्छे से मेल्ट करूंगी इसमें। केवेज, ऑनियन और टोमेटो को अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें डालूंगी चाउमिंग मसाला, और जो कि मैंने मार्केट से परचेज किया हुआ था वही मैं मसाला डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, थोड़ा सॉल्ट डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। मसालों को अच्छे से मिक्स होने के बाद इधर हमने डाला है 2 स्पून बड़े स्पून से नाप के टोमेटो केचप, और 1 स्पून विनेगर और 1 स्पून सोया सॉस। इधर मैंने ग्रीन चिली सॉस को स्किप किया हुआ है। पूरे सॉस को मिक्स करने के बाद हम नूडल्स को मिक्स कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा चाउमिंग बनकर तैयार हो जाता है। हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ईटिंग करने जा रही हूँ अपने हबी के साथ, और ये है चाउमिंग चैलेंज। जो सबसे पहले खाएगा वही विनर होगा, और इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है। और हारने वाले को ये मिर्ची खाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ना इधर, ये मिर्ची खाना पड़ेगा हारने वाले को। ठीक है, तो फिर बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये तो मेरी आदत हो गई है ऐसे करने की, पर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलो 1
1, 2, 3। तुम्हारा कम था क्या? नहीं नहीं मेरा बराबर था। आने वाले हो ऐसे नॉलेज मेरे फेवरेट नहीं है, मिर्ची ज्यादा बेहतर है। इसमें फेवरेट का नहीं, चैलेंज की बात है। जो जीते वो मिर्ची खाएगा। मिर्ची खाओ।
नहीं, जो हारेगा वो मिर्ची खाएगा, ये डिसाइड हुआ था। ठीक है मिर्ची खा लेता हूँ। अरे इनको तो मिर्ची से बहुत हेट है। ओ खा लिए एक बार में, तो ये था मेरा आज का चैलेंज जिसमें मैं जीत गई। और मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है फास्ट ईटिंग करते हैं, पर मैं जीत गई। आई होप आपको नूडल्स नहीं खा सकते इतना तेज। तो चैलेंज तो चैलेंज होता है, तो इस चैलेंज में मैं फाइनली मैं जीत गई हूँ। और मेरे हस्बैंड को जो पनिशमेंट मिलनी थी वो उन्हें ले ली है, मतलब मिर्ची खा ली एक पूरा। उनके लिए मिर्ची खाना बहुत बड़ी बात है, उन्हें खाने में मिर्ची पसंद नहीं है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय तो करिए।